जी मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इज्जत माब शेब जट साहब। ओ जट की होया टीम नू, टीम पाकिस्तान नू ठीक है मेरे, ये हालत पतली हो गई। क्यों पतली हो गई दस मिनट? क्योंकि फोकस नहीं है सन यार। शादाब ड्रॉप ना कर दिए इनू, वाइस कैप्टन ये परफॉर्मेंस, बॉलिंग या तो फुल टॉस था या फिर शॉर्ट पिच बॉलर। दोस्ती यारी जिंदाबाद, बाबर आजम जिंदाबाद, बाबर आजम पाइंदाबाद। भाईजान कोई लड़ाई शड़ाई हुई थी ड्रेसिंग रूम में? बिल्कुल नहीं हुई थी। ऐसी खाम खामे झूठी बकवास, झूठी खबर है, सिर्फ एक लाइन दी जा रही है। हाँ। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, बातचीत होती है जो रूटीन की बातचीत होती है उसको लड़ाई का नाम दे रहे हैं। ये कंपनी एक है और ये सब मिलकर हमको वो लगा रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, ये बाबर आजम इंडिया के खिलाफ क्यों नहीं चल रहा? बाबर आजम किसके खिलाफ चला है नेपाल के अलावा? हाँ यार वैसे ये बात है। अच्छा मुझे वो कहते हैं ना इमाम ने एक चीज बड़ी अच्छी कही थी कि इससे टीमें डरती नहीं है, कि ये क्रिकेट पे खड़ा भी रह जाएगा तो वो जिस तरह से कोहली खतरनाक होता जाता है, ये खतरनाक नहीं होता, ये बस विकेट गंवा के चला जाता है। इसकी वजह क्या है? घर का बेदी लंका ढा रहा है। अच्छा इमामुल हक बाबर आजम के बहुत करीबी दोस्त हैं, उनके घर में ही होते हैं अमूमन, क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं गिराज में उनके साथ, तो घर का बेदी लंका ढा रहा है। अच्छा तो अब ये है कि हमें क्या करना होगा आगे नेक्स्ट फॉर द फ्यूचर? कोई हमारे पास स्पिनर अवेलेबल है? क्योंकि मैं तो यार ये अभी लोग तस्करा कर रहे हैं कि ये अचानक कहाँ से कुलदीप यादव आ गया, लेकिन यार उसने कितना काम किया एनसीए में जाके, उसने अपना पूरा अपने आप को ग्रूम किया और जो उसकी वेरिएशंस हैं यार वो किसी भी टीम के लिए खतरनाक। भाई वो फोकस थे, उनको पैसों का मसला नहीं था, यहाँ तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के 45 लाख रुपए सुनते ही सारे कैटेगरी में आने पे। यार जट आज से तकरीबन 2007-8-9 में हमारी तनख्वाहें भी ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन उस वक्त इनको 2.5-3-3-4-4 लाख रुपए मिलते हैं। ऐसे बहुत है भाई, एक एक लीग में जाके करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। अच्छा। वो अक्सर नारा सुनते थे मुल्क के लिए ये कर दिया, मुल्क के लिए हमने ऐसा किया, मुल्क के लिए हम जो है सब कुछ कर रहे हैं, तो मुल्क के लिए जब करने की बारी आई तो आपने तो कुछ नहीं किया, आपने तो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट अवेल किए, कॉन्ट्रैक्ट तो अवेल कर लिए, लेकिन पाकिस्तान को क्या दिया? पाकिस्तान को फिर इंजरीज दी आपने, पाकिस्तान को आपने आउट ऑफ फॉर्म आ गए पाकिस्तान के लिए मैदान में। अच्छा ये हमारी जो बॉलिंग है ये इसमें कोई फास्ट मजीद पेसर इंड्यूस किया जा सकता है ये एहसान वगैरह, या ये अभी रेडी नहीं है? अनफिट है एहसान उल्ला, अनफिट है हसनैन, अनफिट है, और मैं आपको बता रहा हूँ वर्ल्ड कप में एक आधी इंजरी और आपको बड़ी सुनने को मिलेगी। टीम वैसे होनी क्या चाहिए हमारा? टीम यही होनी चाहिए, 3 साल आपने इन्हीं पे इन्वेस्ट किया है, अब क्यों टीम बदले, जाएं इसी टीम के साथ पाकिस्तान को जीत कर दें। बहुत बहुत बुरा हार के आएंगे यार। नहीं नहीं इंशाल्लाह जीतेंगे भाई, 3 साल जीतते रहे, क्या आप हॉलैंड के खिलाफ नहीं जीते थे? तो हॉलैंड की टीम भी तो देखो, क्या आप अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं जीते थे? अफगानिस्तान सस्ती टीम, तो जिनको हराते रहे उनको हराएंगे इंशाल्लाह। तो मतलब ये आगे इसका मतलब हमारी फ्यूचर की कोई प्लानिंग नहीं थी, और अभी भी देखो हम नंबर वन पे हैं, और किस तरह से ये पता ही है कैलकुलेशंस के। नहीं नहीं आपने सिर्फ दो बातों पे खुश होना है, एक आप रैंकिंग में नंबर वन है और एक आपने खुश होना है कि कप्तान की 19 सेंचुरियां हैं, इन दो बातों पे आपने खुश होना है। हाँ। बाकी किसी के बारे में नहीं सोचना। अच्छा जेट मुझे एक बात बता पर्सनल लेवल पे, ये जो ट्विटर पे लोग बुरा भला कहते हैं असर होता है कुछ इसका? कहते हैं मैंने तो कभी पढ़ाई नहीं, पढ़ते नहीं है। नहीं अच्छा मुझे बड़ी खुशी होती है पढ़ के। अच्छा, चले आप भी टाइम पास करें दूसरे भी टाइम पास करें। अच्छा हाँ, मुझे भी कोई बुरा कहता है तो मुझे खुशी होती है। एक एक रिक्वेस्ट जरूर, जितना मर्जी बुरा भला कहे, लेकिन जब मुझे धमकियां दे रहे होते हैं ये गलत है, जब मेरी फैमिली के मुताबिक गलत बातें कर रहे होते हैं तो अल्लाह का वास्ता है, वहां से प्राउड मुस्लिम लिखना छोड़ दें। यार वैसे ये वाकई गलत बात है, मैं मैसेजेस जट के भी देख रहा होता हूँ, वहाँ पर बड़े बुरे बुरे चीजें, ये भाई मेरा स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा होता है। यार आपका ये मेरा भाई स्पोर्ट्स की कवरेज करता है, कोई सियासी या कोई इस तरीके से कोई इस तरह की चीज नहीं होती जिसके ऊपर आपके नजरियाती इख्तलाफ हो जाएं, और जो चीज होती है वो अपने अंदाज में रिपोर्ट कर रहा होता है उसमें, या अपना उसमें तजिया भी शेयर कर रहा होता है उसमें, आपका पर्सनल लेवल पे जाके ये घटियापन दिखाना ये बनता नहीं है। आप स्पोर्ट्स फैंस हैं, अब ठीक है आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग हो सकती है, इसका अपना ओपिनियन है, ये कौन सा जाके क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियां करवा रहा है, या ऐसा है भाई करवाते हैं तब्दीलियां? करवाता तो हूँ। आपने जो करना है क्रिकेट बोर्ड में जाके नहीं, लेकिन अपने कलम से अपने कलम। अपने बोलने से अपने फैक्ट सामने लाके बहुत सारी तब्दीलियां करवा चुका हूँ, बहुत सारी करवाता रहूंगा इंशाल्लाह। लेकिन अभी वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं कराना, वर्ल्ड कप का स्क्वाड यही जाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ अब्रार को खिला लें यार, बल्ले ठीक है कैरम बॉल वाला है, खिला लें, एक साहब और लगे हुए हैं स्क्वाड में डलवा भी देंगे, खिला लें। और फिर नहीं, मैं तो अपनी नाकिस राय दे रहा हूं, कोई और है नहीं। उसामा मीर को आपने क्यों बेंच पे बिठाया हुआ है, तो उसको मैदान में उतारे, बेहतर है तभी तो टीम में, अगर बेहतर ना होता तो टीम में क्यों ना होता। देखें इस टाइम एक एक लड़का जो टीम में है आप उसको मैच विनर कहते रहे हैं, तो अब उसको डिलीवर करना है। हम जिनका मैच विनर बताते रहे हैं वो तो आपको अच्छे नहीं लगे, हालांकि वो सब आएंगे खिड़की तोड़, वो कहते हैं एंट्रियां होंगी, और ये आखिरी मौका है, ये आखिरी मौका है वर्ल्ड कप
में अगर आपने नहीं किया तो फिर घर तो आप नहीं जाएंगे लेकिन आपसे पावर्स छिन जाएंगी, अभी से बता रहा हूँ। अच्छा, अभी नहीं छिनेंगी, अभी कप्तान नहीं, अभी तो यही है, सिर्फ कप्तान का मसला नहीं है यहाँ, यहाँ एक ट्राइका है। उस ट्राइके की पावर्स जो है वो वर्ल्ड कप में डिलीवर कर दिया तो मजीद बढ़ जाएंगी, और अगर नहीं परफॉर्म किया, अल्लाह करे परफॉर्म करें, अल्लाह करे परफॉर्म करें, क्योंकि ये मेरी ईगो का मसला नहीं है, हमारे मुल्क के प्राइड का मामला है, अल्लाह करे परफॉर्म करें, और अगर परफॉर्म नहीं किया तो फिर पावर्स टूटेंगी। चलें जी, थैंक यू सो मच शुएब जट, बाकी लंबा चौड़ा आपसे डिस्कशन करेंगे कभी बैठ के, उसमें माइक शेक भी चेंज करके लगाएंगे। स्टे विद अस।